फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? बढ़िया, मस्त रहिए और एंटरटेनमेंट का मजा लीजिए। कल तो जो है आप दशहरा बनाने वाले हैं, तो फिर हम पीछे कैसे हट सकते हैं? हम भी दशहरा बनाएंगे यार। जब हमारे मायके में दशहरा गली में कोई रावण जला के मारता था तो बुजुर्ग लोग कहते थे, चलो अब गली के में भी रावण पैदा होने लगे हैं। तो ऐसी बातें होती थी, वो थोड़ा सा एग्री नहीं होते थे कि रावण को तुम ऐसे गली में जला रहे हो, तो कोई गली में कोई रावण था क्या, या फिर रावण भी पैदा होने लगे गली में? तो इस तरह का भाई, रावण एक ही है जो रामलीला में जलता है। कोई लोग होते हैं छतों पे जलाते हैं, कई पार्क में करते हैं, कई कुछ, सब अपना अपना शौक बनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं और जो है नए नए तरीके से करते हैं। पहले लोगों की बातों में दम तो बहुत होता था, लेकिन आज के क्रेज़ में वो दम थोड़ा सा हल्का पड़ जाता है। चलिए, तो ये बातें तो हम बहुत सारी करते ही रहते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे कहूँगी कि कलर पे एक नया शो आने वाला है डोरी, जिसका प्रोमो आप देख चुके हैं, जो कि आपके प्यारे जय मेहता का शो है। ऐसे में जो है शो का प्रोमो फैंस को बहुत पसंद आया है। जहाँ पे बड़े घरों में पैसों की कमी ना होने के बावजूद भी लड़की को नापसंद किया जाता है, और एक गरीब घर में जो है दो वक्त की रोटी भी पूरे टाइम पे नहीं मिलती, वहाँ लड़की को जो है देवी माना जाता है। ये हर घर की कहानी है। कई जगह सोच बदल चुकी है और कई जगह सोच अभी भी यही है। तो इस तरह की कहानी जो है हम कई बार सुन चुके हैं, पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं, तो पता नहीं ये शो कितना धमाल मचाएगा, लेकिन प्रोमो देख कर तो फैंस का दिल खुश हो गया। और ऐसा नहीं है कि एकदम से लीप आ जाएगा, आपको छोटी बच्ची की कहानी काफ़ी लंबे टाइम तक दिखाई जाएगी। ऐसे में जो है डोरी जो है 13 नवंबर को दस्तक देने वाला है कलर पर। ऐसे में ये कौन से शो को रिप्लेस करेगा? पहले न्यूज़ निकल कर आई थी कि ये रश्मि मैम के शगुन को रिप्लेस करेगा, लेकिन अब शगुन को फरवरी तक का टाइम दे दिया है, उसे एक्सटेंशन मिल गया है फरवरी तक, वो सेफ हो गया है फरवरी तक। तो ऐसे में अब ये 6:30 पर तो जाएगा नहीं, तो ऐसे में अब ये कब जाएगा? फैंस का कहना है कि यार जुनूनियत बंद हो रहा है, ये उस वक्त जाएगा, तो ये जुनूनियत पर भी टाइम ले नहीं रहा है, इसका प्रोडक्शन 9 o'clock पर टाइम ले नहीं रहा है। ऐसे में अब जो है निर्जा बचा है, निर्जा जो है अंडर स्कैनर में डाल दिया गया है, निर्जा की स्लॉट चेंज भी डाल दिया गया है, तो उम्मीद है कि ये निर्जा का टाइम लेगा और निर्जा जो है जुनूनियत की टाइम लेगा और जुनूनियत टाटा बाय करेगा। तो इस तरह का रूल्स जो है या इस तरह का सर्गिल जो है कलर पर डला हुआ है, तो मे भी जो है 8:30 पे अच्छी TRP निकाले। फिलहाल जो है जो निर्जा का प्रोमो आया है वो फैंस को काफ़ी पसंद आया, या कहें top 5 में भी सर्च हुआ है। अब बात आती है आपके जनक शो की, जनक शो जो कि आप कलर पर देखने नहीं यानी कि स्टार पर देखने वाले हैं। ऐसे में ये जो शो है ये पहली बार हिंदी टेलीविज़न पे इसके प्रोडक्शन उतर रहे हैं। इसके प्रोडक्शन इससे पहले बंगाली शो में काफ़ी धमाल मचा चुके हैं, उनके शो का ना जाने कितने लोग रीमेक कर चुके हैं, फिर चाहे कॉकरी प्रोडक्शन हो, राजन शाही हो, ना जाने कितने प्रोडक्शन जो है, चाहे गुलखान हो, उनके शो का रीमेक कर चुकी हैं। ऐसे में अब वो पहली बार हिंदी में उतर रहे हैं और उन्होंने झनक का प्रोमो फैंस को दिया है। फैंस को झनक का प्रोमो पसंद आया, थोड़ा सा हिबा की एक्टिंग दबी भी लगी है या फिर वही जो हमेशा शो में देखते हैं, लेकिन जो विलियन का रोल कर रहे हैं वो यार क्या गजब एक्टिंग की है, दिल को छू गई है। कहते हैं ना कि विलियन खतरनाक होना चाहिए, बस फिर तो TRP निकल जाएगी। प्रोमो में ज़्यादातर सब कुछ बता दिया है, लेकिन मेन हीरो की शक्ल नहीं दिखाई है। ऐसे में फैंस काफ़ी एक्साइटेड है कि नाराज भी हैं कि भाई आपने झनक के हीरो की शक्ल तो दिखाई ही नहीं है। तो ऐसे में झनक के शो के हीरो की जो है नया प्रोमो जब आएगा उसमें आपको हीरो ही नज़र आने वाले हैं, आकाश आहूजा। ऐसे में जो है न्यूज़ तो वही है कि वही होंगे। बात आती है ये शो कब शुरू होगा, तो डियर ये शो इसी मंथ में शुरू होने वाला है, और ये शो टाइमिंग क्या लेगा, ये शो 9 PM की टाइमिंग लेने वाला है। ये बातें अनकही को रिप्लेस करने वाला है, बातें जो हैं आपका जाने वाला 11 o'clock पर, जो कि कह दूँ तुम्हें ऑफ ईयर हो रहा है। तो ऐसे में ये सर्गिल स्टार पर डला हुआ है, तो ऐसे में आप दोनों शो में से किसकी TRP अच्छी निकलेगी, या दोनों शो 9 o'clock पर ही आ गए? एक तो फिक्स है भाई, जनक तो 9 पे आएगा ही आएगा। अगर डोरी को निर्जा की टाइमिंग ना मिलकर जुनूनियत की ही मिल जाए
तो फिर क्या होगा, आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी जानकारी के लिए डियर लाइक सब्सक्राइब दोनों बनता है।